वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। छोटा सा दो प्रॉब्लम लेके हम आया हैं आज आपका पास। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रहा है। बेसिकली हम लोगों को जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें राइट क्लिक करके कोई सैंपल्स इंपोर्ट करते हैं और हम लोगों का एक बुरा आदत है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर का लेके इधर जाके इसको ड्रैग करके इसका अंदर दे देते हैं। तो जब देते हैं, देखिए इस टाइप का सिंबल आ रहा है। इस टाइप का सिंबल किस लिए आ रहा है, ये हम बोल रहे हैं आपको। बेसिकली ये इस टाइप का सिंबल आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जब अगर मान लीजिए इसमें ऑडियो ट्रैक भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो सेम टाइप का ही होगा। मतलब ड्रैग करने से इसको ओपन ओपन करते हैं तो आ गया, मगर ड्रैग करने से नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। तो क्या है, ये जब हम लोग बजाएंगे तुम एक मिनट रुकिए, हम इसको ऑन करते हैं। उठाना, तुम्हारा बज रहा है, इंतजार है तुम। बज रहा है, मगर जब हम इधर से ले आ रहा है तब कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका क्या वजह है, मतलब इसका किस लिए हो रहा है। बेसिकली देखिए, हम लोग ऊपर ऊपर का जो जगह है ना, ये जगह देखिए दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है। मतलब ये जगह उल्टा हो गया। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई जगह पर हम लोग रेड कर देते हैं, मान लीजिए हम इस जगह से इस जगह तक, मतलब 9 से 10 हम लोग नहीं बजाना चाहते हैं। अगर साइकिल्स ऑन रहेगा ठीक है, जब प्ले हम लोग करेंगे तो वो जगह ओवरलैप करके चला तुम्हारा जाएगा। इंतजार, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, वो जगह नहीं बजेगा। तो पहले से ही जिसका पास ये टाइप का हुआ है, होके बैठा है, तो इधर से ड्रैग करने से वो सिंबल नहीं दिखाएगा। मतलब वो मतलब ड्रैग करने से आएगा नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से इसको हटा देना पड़ेगा। आप लोग ये कर सकते हैं, अगर ब्लू रहेगा तो आप लोग ड्रैग करो, तब भी नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम दूसरा और एक जगह से हो रहा है, दिखा रहा है आपको। इसमें डोंट सेव कर रहे, इसको डिलीट कर दे रहा है। इसमें न्यू विंडो को राइट क्लिक करके राना से एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। सॉरी, राना से एडमिनिस्ट्रेटर ही है, इसको उठा देना पड़ेगा। इसको उठा देना पड़ेगा, एक मिनट पहले उसको खोलने दीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। तब तक के लिए हम थोड़ा पॉज करके रखते हैं। अभी देखिए ये खुल गया, फिर से दोबारा हम बंद कर देते हैं और इसको राना से एडमिनिस्ट्रेटर को उठा देते हैं। किधर से उठाते हैं, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके कंपैटिबिलिटी जो है राना से एडमिनिस्ट्रेटर उठा देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं खुलेगा, वो डायरेक्टली नॉर्मली खुलेगा और हम लोग ड्रैग करके इसको ले आ सकते हैं। फिर पॉज कर देते हैं, अभी खुल गया है। अभी देखिए इसको हम अगर ड्रैग करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, और नहीं तो इसको मिनिमाइज करके रखिए, इसको लेकर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, कोई भी जगह पर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में अगर जब हम लोग खोलेंगे तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम होता है। मतलब हम तीनों जगह से आप लोगों को दिखाया है। बेसिकली एक जगह होता है, अगर लूप्स ऑन रहेगा, अगर ये जगह इस टाइप का रहेगा तो ये जगह में साउंड नहीं बजेगा, इसमें जाएगा ऑटोमेटिकली, इसमें जाते जाते वो ओवरलैप ओवरलैप करके चला जाएगा। ठीक है ना, ओवरलैप करके चला जा रहा है। और दूसरा जो जगह है, मतलब ये अगर एडमिन मोड में खुलेगा तो उस टाइम में आप लोग मतलब ड्रैग करके नहीं डाल सकते हो।
ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा लोग बोल रहे हैं, जब हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट का पिच थोड़ा चेंज हो जा रहा है, एक्सपोर्ट का पिच चेंज हो जा रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है जो हम लोग उस टाइप का किया नहीं है, मगर तब भी चेंज हो जा रहा है। तो होता है क्या, बेसिकली ये जो सैंपल्स होता है, सैंपल्स का पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा पूल में सैंपल्स रेट क्या है। देखिए इसमें दो लूप्स है, एक है 48,000, एक है 44,000। तो दो है मतलब ये आरके लूप जो है 44,000 का है, और ऊपर वाला जो लूप है ये 48,000 का है। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए, बेसिकली प्रोजेक्ट सेटअप किस में है, प्रोजेक्ट सेटअप इसमें है, मतलब 44,100। तो हम लोग जब काम करेंगे 44,100 में काम करेंगे, तो इसमें क्या है 48,000 यूज़ हो रहा है, तो इसको भी हम लोग इधर से राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट फाइल करके हम लोग इसको 44,100 कर लेंगे। तो हो गया कन्वर्ट करके 44,100। अभी ये लूप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा 44,100 किया है, थोड़ा सा छोटा हो गया है और इसका पीच भी चेंज हो गया है। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग एक्सपोर्ट करें, मतलब इस टाइप का सिलेक्ट करके जब हम लोग इसको सोलो बना के, नहीं तो कोई भी मतलब दोनों को एक साथ अगर एक्सपोर्ट जब हम लोग करेंगे उस टाइम में क्या है, अगर वेब फाइल रहेगा, वेब फाइल में कितना ले मतलब सैम्पल रेट क्या रहेगा, अगर सैम्पल रेट का चेंज हो जाएगा तो आपका चेंज प्रोजेक्ट में आ जाएगा। मतलब जो आप न्यू एंड में सुन रहे हो वो एक्सपोर्ट करने के बाद उस टाइप का नहीं सुनाई देगा। यह है थर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। बहुत सारा लोगों का रिक्वेस्ट है एक मतलब पूरा रिकॉर्डिंग करके दिखाने का, मतलब वो उसका टाइम ही नहीं मिल रहा है। बेसिकली जो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। हम जितना जल्दी हो सके हम इसको कर लेंगे। और एक छोटा सा हम दिखा दे रहा है जिसको हम लोग टेम्पो ट्रैक बोलते हैं। टेम्पो ट्रैक क्या है, कुछ कुछ जगह पर टेम्पो हम लोग अगर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए गाना का शुरू में एक टेम्पो चलेगा, गाना का एक जगह में कुछ कुछ गाना है, पहले का शुरू का इंस्ट्रूमेंट है 3/4 में, उसके बाद कुछ टाइम चलने के बाद वो हो गया 4/4 में, तो वो हम लोग टेम्पो ट्रैक से काम करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके ये देखिए ऊपर में लिखा है 4/4, मतलब ये 4/4 में चलेगा। इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो टेम्पो को बंद करना पड़ेगा, इसमें हम लोग 4/4 है, इसको 3/4 कर देते हैं, 3/4 हो गया। और कौन सा जगह पर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, इस जगह में हम लोग अगर पेंसिल लगा के एक पॉइंट क्रिएट करें तो ये 97 में इसको हम लोग 4/4 कर सकते हैं, नहीं तो 7/8 कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली जब ये 97 से शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो, सॉरी 98 से चेंज हो जाएगा, 97 तक रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। अगर हम लोगों को बाद में नहीं चाहिए तो इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, जो जो हम लोग क्रिएट किया है इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके हम लोग फिर से दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। इसका जो 7/8 है इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दो, चला जाएगा। इसका जो 3/4 है इसको सिलेक्ट करके 4/4 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। तो ये है टेम्पो ट्रैक। ये टेम्पो ट्रैक को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब जब हम लोग वीडियो का काम करेंगे, वीडियो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वीडियो में कौन सा जगह पर कौन सा इफेक्ट डालना चाहिए, ये जब हम लोग देखेंगे उस टाइम में हम लोगों को पता लग जाएगा कैसे टेम्पो। और टेम्पो ट्रैक एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को फाइल्स के अंदर जाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट टेम्पो ट्रैक इसके एक्सटेंशन होता है SMT, मतलब जो नेम होगा XML फाइल बनेगा उसको हम लोग इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का बोलने का था एक्चुअली, हम उतना ज़्यादा ट्यूटोरियल दे नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कॉल उठा नहीं पा रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं हम लोग थोड़ा हमको आप लोग थोड़ा हमको व्हाट्सएप करो, जो प्रॉब्लम है आपका व्हाट्सएप में जा बोलो, फ़ोन मत करो, व्हाट्सएप में बोलो। व्हाट्सएप नंबर इसलिए हम दिए हैं, और ग्रुप ट्रेनिंग के लिए हम दो नंबर दिए हैं, जो जो जगह पर जो रहता है वो लोग इसके साथ संपर्क करना चाहते हैं तो अगर कर सकते हैं। मिनिमम 5 आदमी होने से हम एक ग्रुप मतलब टीचिंग चालू कर देंगे बहुत जल्दी से, और 2-3 जगह पर हमारा स्टूडेंट लोग है जो इसको एडमिनिस्ट्रेट मतलब एडमिन के हिसाब से काम कर रहा है, तो उनका साथ
मतलब उसका फ़ोन नंबर हम एक चैनल में, एक ट्यूटोरियल में दिए है, उसके साथ आप लोग बात कर सकते हैं, बात करके आप लोग थोड़ा प्रोसीड्योर भी जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।